यदि कहीं रह गया तो वो कृष्ण भजन से प्रेमा भक्ति के द्वारा भाव भक्ति के द्वारा वो सुख हो जाए। इसलिए आत्म सुख दुख गोपी नहीं का विचार, गोपियों का आत्म और सुख और दुख का विचार नहीं। हम साधकों को भी अपने सुख और दुख का विचार नहीं हो करके, इससे गुरु और वैष्णव को सुख आता है या दुख, इस कार्य से गुरु को असंतोष होगा, इस काम से गुरु को सुख होगा, ये तो विचार करने की क्षमता भगवान ने दी है। वैष्णव को इस काम से सुख होगा ने? गुरु को सुख होगा या दुख होगा, ये तो विचार कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जीवन में कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके द्वारा उन लोगों को कोई कष्ट हो। इसलिए हमको जितना भी कष्ट हो जितना ही सुख हो इसकी परवाह नहीं। ना बनी अपनी दुख सबे बनी की पर मोरे यदि दिले दुख हाँ सुख सही दुख मोर, ये सब विचार रखना छोटी छोटी सेवा, ये सुनने का तात्पर्य। तब तो भक्ति भाई होगी, आने तो भक्ति नहीं होती, भक्ति ऐसी सहज चीज नहीं। स्वातिया एक कृष्ण नाम करे सर पाप नाम, ए कृष्ण नाम बोलो बस तुम्हारा हो गया। किंतु है विचार सुख के रूप में करेंगे तो बहुत सी बातें। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, गोपियों के कृष्ण को सुख देने के लिए ही जितनी उनकी शारीरिक मानसिक वास्तविक और मन की जितनी भी चेष्टाएं हैं सब उसके लिए सब समय 24 घंटा उन्हीं की चिंता रहती है, अपने लिए कभी नहीं। हम लोगों को अभी कनिष्ठ अधिकार में सब समय अपने कृष्ण का भजन करेंगे तो हमको क्या सुख होगा, भव सागर को पार कर जाएंगे नित्य शांति मिलेगी है ना, पराशांति वापसी। इसलिए भजन करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा ही विचार करता है, मध्यम अधिकारी में कुछ जानने लगता है, उत्तम अधिकारी में नहीं, जो कुछ हम करेंगे ये लोभ दिया गया है गीता में, कृष्ण ने लोभ दिया हम तो सब साधक किसी तरह से चले हैं? अर्जुन को तो उसे ही कर कृष्ण अर्जुन भी वैसे ही बने हुए हैं, अभिनय कर रहे हैं, उनके माध्यम से दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। शांति की इच्छा करने वाले कहते हैं निर्विशेष बात शांति के लिए, वैष्णव होने से कनिष्ठ वैष्णव भी शांति नहीं चाहता, हमको जितना सेवा में जितना भी दुख है वही चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, उनका मानसिक और शारीरिक जितना भी चेष्टाएं और व्यवहार होता है वो सब कृष्ण के सुख के लिए होता है। कृष्ण लाली आप सब करी पंचायत कृष्ण से हेतु करे शुद्ध अनुराग, ये कृष्ण के को सुख देने के लिए ही उनके प्रति अनुराग करने के लिए सब कुछ का प्रत्याग करने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रत्याग कर रहे हैं, प्रत्याग करने से लोग प्रशंसा करें महात्यागी है ना, कपड़ा केस लेने पहनने का महा ये योगी है, ये कुछ कपड़ा नहीं पहनते, अधिकांश यही वैराग्य होता। भक्ति के पहले जो वैराग्य होगा अपने प्रचार के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब होता है, और भक्ति होने के बाद में स्वतः जो वैराग्य होता है वो भक्ति का फल है, वो भक्ति के लिए सहायक और पुष्टिकारक होता है। तो कृष्ण लागी सब परित्याग, प्रत्याग भक्ति नहीं, प्रत्याग करने से सुखी नहीं होंगे कृष्ण, कैसे होंगे कृष्ण के प्रति अनुराग से उनके प्रति चेष्टा करने से, ये कैसे कृष्ण को सुख हो ये व्यवहार करने से तब कृष्ण को सुख एवं मदो लोक भेद स्वानं हि वो मई अनुवृत्ते बला मया परोक्षं भजतां तिरोहितं मा सूयितं मार्हत तत्प्रियं प्रिया। कितना बच गया बस, कल इसकी व्याख्या हम लोगों ने ये पढ़ा, स्वरूप लक्षण प्रेम का स्वरूप और तटस्थ लक्षण दोनों से काम के स्वरूप और तटस्थ लक्षण से अंतर है। विशेष करके स्वरूप वाला जैसा कुछ क्षमता होने पर भी तटस्थ वाला लक्षण न रहे यदि न मिले तो वो शुद्ध प्रेम नहीं होगा,
जैसे भक्ति के लिए ये स्वरूप उसका जो लक्षण अनुकूल कृष्णान शरण रहने पर भी यदि अन्नाभिलाषिता है और ज्ञान कर्म आदि के द्वारा आवृत है तो वो भी शुद्ध नहीं है। उसी तरह से यहां भी तटस्थ लक्षण का जो बतलाया योग धर्म वीर धर्म देह धर्म और सब जितने हैं लज्जा धैर्य ये यदि तटस्थ लक्षण ये दिखता है ये कार्य है ये सब यदि दूर न रहे हैं और वो स्वरूप वाला रहे भी तो वो गड़बड़ शुद्ध नहीं पाते। इसलिए तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों का होना उसमें जरूरी है। काम से प्रेम का ये दोनों ही तटस्थ और स्वरूप लक्षण दोनों पृथक है, एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति और एक है माया शक्ति की वृत्ति, ये स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण में एक कृष्ण को की तरफ में सब समय जाता है कृष्ण सुख के लिए लालसा और एक में है अपने भोग की। यदि इन सब देह धर्म आत्म धर्म लोक धर्म को छोड़ता ही है यदि कोई या छोड़ती है कोई तो भी कुछ अंतर नहीं आता अपने सुख के लिए ही ऐसा होता है। इसलिए अब उसी को उदाहरण के द्वारा दो उदाहरण श्लोकों के द्वारा बतलाते हैं। उनमें अपने सुख का लेश भी नहीं है केवल कृष्ण सुख का है। इसलिए तत्ते सुजात चरणमरु हम तनेषु गीता शनै दधीमहि इत्यादि बतलाया गीता शनै प्रिय दधीमहि कर ये बतलाया। अपने सुख के लिए हम नहीं करते बल्कि कृष्ण को के सुख में इतना भी कुछ हुआ बाधाई हम उसे चाहिए। सब समय कृष्ण के सुख के लिए जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के सुख के लिए, ऐसा कहीं कोई दूसरी जगह उदाहरण नहीं है। अब दूसरा बतला रहे हैं आत्म सुख दुख गोपी नहीं का विचार, अपने सुख और दुख का विचार, बल्कि कृष्ण सेवा में अपना जितना भी दुख है वो सुख के समान प्रतीति होती है। जो कुछ दुख है माता पिता का प्रत्याग पति का प्रत्याग भी बहुत सुख में लगता है जब कृष्ण से मिलते हैं कृष्ण की सेवा करते हैं। और भी जितने भी संसार में दुख हो सकते हैं वो सब दुख उनको सुख प्रतीत होता है। जैसे माता पिता को प्रत्याग करना, स्त्री को प्रत्याग करना, धन को लात मार देना और निर्धन हो जाना इत्यादि सब एक तरह से अभिशाप है समाज के लिए, ये सब उचित नहीं। क्योंकि ये सब कृष्ण की सेवा में अपने को नियुक्त करने पर यह आनंद में लगता है, वह मैं ये कहा संसार में विष का कूप में पड़ा हुआ था, पति के गर्भ में पड़ा हुआ था गड्ढे में, और मैं अब निकल करके कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। कब मिले जबकि भजन में सुख की अनुभूति होने लगेगी तो मैं जैसे एक कोई व्यक्ति संसार के समस्त कुछ को त्याग करके एक व्यक्ति से प्रेम किया या मिलते हैं तो वो जो जितना जो त्याग किया है वो दुख इसमें मालूम होता है सुख क्षणिक। उसी तरह से कृष्ण से की सेवा पाने पर कृष्ण का नाम करने पर कृष्ण की कथाओं का स्मरण करने पर जब उसमें कुछ टेस्ट मालूम होता है रुचि तब ये समझे अन्यथा नहीं, और ये स्थायी रूप में होगा तो जितना भी दुख था वो सब सुख के रूप में परिणत होगा। अब इसी को इस श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं एवं मदर्थो झितलो कबीर स्वानांगो मई अनुभक्त बला मया करोक्षम भजतां तिरोहितम मई सूतम मारहत प्रियं प्रिया। ये कृष्ण बतला रहे हैं ये गोपियों को अपने सुख की कोई भी लालसा ने सर्टिफिकेट दे रहे हैं
ये कृष्ण अपने तरफ से, गोपियां तो अपने तरफ से वो तथ्य सुजात बतलाया। यदि मैं कह रहा हूं ये प्रमाण नहीं है, हमारा जो जिससे बातचीत कर ले वो भी यदि प्रमाणित करे, जैसे कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ ये थी, तब तो वो प्रमाणित चीज होगी। इसलिए गोपियां कह सकती हैं अपने मन से कह रही हैं, इसलिए कृष्ण की स्वीकार कर लो कि मोहर उस पर लगनी चाहिए, तो कृष्ण इसी को ग्रहण कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं एवं मदित लोक वेद। ये श्लोक श्रीमद्भागवत के राजपंच अध्याय के 32 अध्याय का अंतिम है। कृष्ण गोपियों के रोदन पूर्वक कीर्तन से अब रह नहीं सके, वो वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने आसन की कल्पना की, गोपियों ने अपने अपने ग्रुप की, उन्होंने दुपट्टा को रख करके और उस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए वही बनमाला धारण करके कुछ लज्जित होते हुए वहां पर प्रकट होकर आए बैठे। उसमें 8 प्रकार की गोपियां, 8 गोपियां अपने अपने भाव से कृष्ण का कोई स्वागत और ये सब किया। किसी ने उनका हाथ पकड़ करके अपने कंधे पर रख लिया, तो उनके पान की बातें हुए को अपने हाथ में लेकर के, कोई उनके चरणों को, कोई बाम कोई दाहिने ये ग्रहण किया, कोई दूर से उन्हें देख रही है, भीतर में ले जाकर के उनको हृदय में लेकर के आलिंगन, और कुछ ने अपने बंकिम नैनों से उनको कटाक्ष से उनका भेद किया। ये 8 प्रकार की गोपियों का। इसके बाद में जब बैठे तो गोपियों ने कुछ प्रश्न किए, भजन करता है उसका जो भजन करता है, भजन करने वाले से जो भजन करते हैं, जो भजन नहीं करने पर भी सबको भजन करते हैं, माने प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करने वाले को भी प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करे और ना करे किसी को से प्रेम नहीं करते। महाशय जी आप बतलाइए उनमें से कौन से आप हैं। कृष्ण सुन करके मुस्कुराते हुए बोले, जो भजन करने के बदले अर्थात प्रेम करने से जो प्रेम करते हैं, ये तो एकांतिक रूप में इसमें सौहार्द नहीं है न धर्म है, ये तो सीधा सीधी स्वार्थ है, एकांत स्वार्थ, इसमें प्रेम की कुछ बात नहीं, वो प्रेमिक व्यक्ति नहीं है जो लेन देन का लिए करता है। बनियागिरी है। दूसरी बात मैं इसमें नहीं हूं। दूसरी बात, जो प्रेम करते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं वो सबको प्रेम करते हैं, उनका प्रेम शुद्ध है, इसमें सौहार्द भी है और धर्म भी है। यह प्रेम माता पिता का है, इसमें भी माता पिता के प्रेम में भी कुछ एक होता है, दृश्य एक अदृश्य। अदृश्य फल के लिए कोई स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं अदृश्य फल के लिए, और कोई दृश्य फल के लिए। जैसे हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उसका फल साथ ही साथ नहीं मिलता है, ये दृश्य अदृश्य है। कब वर्षा होगी या कब उनको स्वर्ग मिलेगा, ये अदृश्य है, और दृश्य वह प्रेम, प्रेम का प्रेम फल है। जैसे हम गाय को प्रेम करते हैं, गाय को खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय साथ ही साथ में दूध देती है, उसे घास चारा दाना इत्यादि दे, जब दूध दे देगी तो साथ ही साथ उसको देख लेंगे, ये दृश्य। इसी तरह से प्रेम भी वो दो प्रकार का है, एक दृश्य एक, किंतु दोनों में फल की लालसा है,
जैसा ही पहला जो बतलाया जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, ये दो कारण से ही, एक दृश्य होगा ये एक अदृश्य होगा, हम दोनों में है। तो इसको कहते हैं दोनों में से मैं कोई एक नहीं, न दृश्य ही न अदृश्य। देवताओं का जो हमारे प्रति जो प्रतिदान है, ये भागवत में तो लिखा है कि मैं देवताओं के जैसे देवता लोग होते हैं, उनकी पूजा करने पर वो फल देते हैं। गोविंद भूल गुप्ता राम के बाद में है, वो देवता भी वैसे ही करते हैं। तो उसमें देवताओं का जो फल जो देने का है, हम उनके लिए जो कुछ देते हैं उसके बदले में वो भी कुछ देते हैं, किंतु थोड़ा सा अदृश्य होता है। कभी कभी दृश्य भी हो सकता है, जब करने के बाद में वर्षा हो जाएगी उससे हमारा जीवन धारण होता है, किंतु अधिकांश अदृश्य। और गाय इत्यादि का जो है ये दृश्य है। ऐसे हम जो जिसे प्रेम करते हैं वो भी प्रेम करता है, और जो नहीं जान बहुत दूर इसका फलादी नहीं करते हैं किंतु प्रेम करेंगे, ये अदृश्य है। किंतु दोनों में फल की संभावना है। भगवान इससे कहते हैं कि मैं में से कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं बनियागिरी, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो। दूसरा जो निरपवाद हो, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, शुद्ध प्रेम है। प्रेम कोई करे ना करे, माता पिता जैसे हैं, उसमें क्या है, आप मध्यमा हो ना, गोपियां कैसी हैं, मध्यमा, मध्यमा माने मध्य प्रतिभा, बहुत सुंदर है, बहुत कमनीय परम सुंदरी हैं। और ये तुम्हारा जो प्रश्न है उसके मध्य में जो है वही तुम हो। मैंने पहला प्रेम के बदले प्रेम, और दूसरा है पूर्ण काम आप्त काम, गुरुद्रोही और आत्महरण, तो दोनों में से मैं नहीं, दोनों में से तुम लोग नहीं, तुम कौन है, मध्यमा, तुम मध्यमा, क्योंकि मध्य क्या, मध्य क्या कहते हैं, सुमध्यमा, सुमध्यमा तुम ही सुमध्यमा हो, और तुम सुमध्यमा हो। सुमध्यमा माने क्या, इन दोनों के बीच में तुम मध्यम वाली हो, और तुम सुमध्यमा अत्यंत सुंदर। और तुम लोग का यह भाव जो है, यह भाव जो कोई प्रेम करे ना करे, जो तुम करती है हमारे पति, ये सुमध्यमा अत्यंत और भी सुंदर है, यही ये बतला है। गोपियां सुनकर के यहाँ पर थोड़ी सी प्रसन्न हुई, ये हमारे लिए ये कह रहे हैं। अब देखें ये अपने लिए क्या करते हैं। तो कृष्ण ने कहा, और एक तो माता पिता का जो प्रेम होता है, इसमें भी कुछ प्रकार हैं। माता पिता जो स्नेह करते हैं उनमें भी कुछ हो सकता है, अधिकांश ही होता है कुछ स्वाद, पिंड दान करना, हमारे वृद्धावस्था में ये सब करेगा, किंतु अधिकांश माता पिता का ये होता है, ये सब ही चिंता नहीं। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इसलिए करते हैं। चाहे ये भले ही कुछ न दे, कुछ न करे, वृद्धावस्था में भी न दे, अंत मरने पर भी पानी न दे, स्नेह करना एक हमारा कर्तव्य है, स्नेह करना उनका स्वभाव है, इसलिए कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रख करके वहां पर कृष्ण ने ये कहा, तुम लोगों का जो स्नेह है उस माता पिता से भी अधिक है। पहले बतलाया माता पिता का स्नेह प्रेम, बेटा कुपुत्र हो जैसा भी हो, बेटी कुपुत्र हो नहीं मानती है, तभी पिता माता का स्नेह अपने संतान पर होगा। इसमें किंतु कुछ स्वार्थ की गंध हो सकती है, किंतु भक्तों का जो स्नेह होता है, भक्तों का जो लोगों के प्रति जो प्रेम होता है, गुरु का जो भक्तों के प्रति होता है, ये स्नेह उससे बहुत लाखों को ही गुणा। यदि प्रहलाद महाराज जी हैं, असुर बालकों को बड़े प्रेम के साथ में उनको भगवत भक्ति की बातें करें, उनका उनसे लेने का कुछ इरादा है, भूत में भविष्य में आप या वर्तमान में कभी भी कोई भी स्वार्थ है, माता पिता का तो है, जैसे ये वृद्ध होने पर हमारा बात पालन करेगा, हमारा पिंड तर्पण इत्यादि देगा, किंतु भक्तों का क्या है, जो जीवों को संसार में दुख दे करके उनके उद्धार के लिए, उनके सुख के लिए ही उनको उपदेश देकर के उनको स्नेह करते हैं, इसलिए
विशेष करके प्रहलाद महाराज जी, क्योंकि मुक्त पुरुष है। हम लोगों में हो सकता है भाई ये व्यक्ति सुंदर है, ये धनवान है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके प्रति किसी गुरु का स्नेह हो सकता है ना? आजकल कल काल में ऐसे ही अधिक मिलता है ना? अधिकांश आजकल ऐसा ही शुद्ध गुरु मिलना बड़ा भारी कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज में, सुखदेव गोस्वामी में, नारद जी में ये चीज नहीं हो। उनका जो बिना प्रेम के भी प्रेम करते हैं दूसरों को, जीवों को जो संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं, भोग रहे हैं, उनको बिना किसी हेतु देत ईश बिनु हेतु, क्योंकि ये वैष्णव लोग बड़े कृपालु होते हैं, उनका विरुद्धाचरण करने पर भी जदाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु जी ने उनको प्रेम किया। ऐसे भक्तों का जो किसी से प्रेम करना है, ये माता पिता के स्नेह से भी लाखों कोटि गुण, किंतु हम ये तुम में है, मैं स्नेह करूं ना करूं कुछ भी करूं, तुम लोगों का हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम है। फिर गोपियां भी पूरा संतुष्ट नहीं हुई, बात चतुरता है नहीं उनमें, बात चतुर है, इसलिए कृष्ण आप तीसरा पतला है, जो प्रेम करते हैं उनको ही प्रेम नहीं करते हैं, तो जो नहीं प्रेम करते उनको क्या प्रेम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गोपियों ने प्रश्न किया था उसका उत्तर अब दे रहे हैं। इस कोटि में चार व्यक्ति आएंगे, पहला आत्माराम, आत्मा में रमण करते हैं, अतः तो उनकी अंतर्दृष्टि ही है, बहिर्दृष्टि नहीं है, ऐसे महात्मा लोग, लौकिक कोई दृष्टि ही नहीं है, कोई दुखी है सुखी है क्या है नहीं है, वो आत्मा में रमण कर रहे हैं, अतः तो आंतरिक उनकी दृष्टि भगवान पर सप्तम उनकी दृष्टि निकलता है, इसलिए कौन उनको प्रशंसा कर रहा है, कौन कुछ को दे रहा है नहीं दे रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, वो किसी से प्यार प्रेम नहीं कर, सुखदेव गोस्वामी कोई पत्थर मारा है और कोई हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं, वो उनका ध्यान ही नहीं है अंतर्दृष्टि के, और आप्तकाम बहिर्दृष्टि तो है, अंतर्दृष्टि के साथ साथ में बहिर्दृष्टि भी है, किंतु वो पूर्ण काम है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, जा गया अंतर्दृष्टि सब समय है, ऐसे जो आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा तो भीतर है ना। दूसरा हुआ पूर्ण काम जो है, उनकी बहिर्दृष्टि है किंतु वो ऐसे पूर्ण है, पूर्ण मनोरथ है, उनको कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको कोई चीज की आवश्यकता है, आप उनको मान लिया कि जैसे आप कपड़ा लेकर के देते हैं, वो कपड़ा पहनते नहीं, तो क्या करेंगे, जिनको अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है उनके सामने अर्थ दी, क्या प्रयोजन। एक गाड़ी के नीचे एक ऋषि रहते थे रई क्रॉ, और उनको मान लिया कि जैसे अर्थ इत्यादि सब ढाल दे, क्या प्रयोजन, क्योंकि वो खुद मनोर, तो वैसे जो पूर्ण मनोर, जब पूर्ण मनस है वो किसी से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। और तीसरा है अकृत द्रोह, नहीं नहीं इसके पहले अकृतज्ञ गुरु, अकृतज्ञ मैंने जो कि हुई भलाई को नहीं मान करके उसको स्वीकार नहीं करता है, माता पिता के का उपकार ऋण, गुरु का उपकार ऋण, कुछ नहीं स्वीकार करता, अवज्ञा करता है, ये अकृतज्ञ कृतज्ञ, उनका जो कृत है उपकार है उसको न जानना, उसको भूल जाना, ये अकृत। और तीसरा है
चौथा गुरु दोष। इसमें भी कुछ विचार है। कृष्ण कह रहे हैं मैं आत्माराम हूं कि नहीं, मैं नहीं। कैसे नहीं हूं? तुम ही लोग इसके प्रमाण हो। क्या प्रमाण? हमने बंसी बजाई, यदि आत्मकाम होता या आत्माराम होता तो बंसी बजा करके तुमको बुलाता है। इसलिए न मैं तो आत्मकाम हो और न तो आत्माराम। आत्मा में मैं रमण करता, हाँ नारायण है आत्माराम, और वो आपका काम भी परिपूर्ण रूप में है, ये तो बात ठीक है। किंतु मैं तो नंदन नंदन हूं ना, इसलिए मेरे अंदर में अभाव है। किस चीज का? प्रेम का आस्वादन करने का। मैं तो बंसी बजाता, तुम्हारे साथ में नृत्य किया, ये कैसे करता? और आपका काम भी इसलिए नहीं हूं, एक तो बुलाया तुम लोगों को और अभी तुम लोगों के सामने आ गया ना, और मैं तुम्हारी प्रशंसा भी कर रहा हूं, तुमको खुश करने की चेष्टा कर रहा हूं, मना रहा हूं, तो आत्मकाम कहां रहा? इसलिए मैं ना आत्मकाम हूं और न। गोपियां कहेंगे ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे बोले जैसे अकृतज्ञ मैं, अकृतज्ञ भी नहीं। क्यों? तुम सब सोच रहे तुमने स्त्री धर्म लोक धर्म वेद धर्म शरीरगत धर्म सब कुछ को छोड़ करके हमारे पास आई और हम तुम्हें छोड़ करके चले। उपस्थित कृतज्ञता अकृतज्ञता मालूम होती है, किंतु मैं अब जो तुम्हारे सामने आया तब ये तो कृतज्ञ हूं। आगे तुमसे बातचीत कर रहा हूं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, और मैं इसका कारण भी बतला रहा हूं जिससे मैं क्यों अंतर ध्यान ये कारण बतला। यदि कोई ऐसा होता अकृतज्ञ तो ऐसा करता तो तौबा क्या? मैंने तो तुम्हें तौबा क्या तो की नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, मैं तुम्हारा भजन भी कर रहा था, तुम्हारे इन सुंदर सुंदर बातों को मैं सुन रहा था, जो प्रेम में पगी हुई बातें थी टेढ़ी मेढ़ी इसको मैं सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भीतर ही भीतर का साधु साधु साधु, किंतु मैं तेरा छिप करके मैं प्रकट नहीं करता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है सबके सामने प्रकट करता, मैं प्रेम प्रकट नहीं किया, किंतु मैं था। विशेष करके तुमको याद दिलाऊं, जब हमारे पैरों की छाप देखी तो तुमने क्या कहा? तुम लोग को याद है हमें आ रहा थी, तो मैं सब छिप करके सुन रहा था, कोई भी बात मुझसे, मैं तो वहीं पर था। प्रेम में पगी होने के वजह से देह की सुध बुध नहीं थी, तुम हमको देख नहीं सकी। मैं थोड़े से अंधकार में थोड़ी दूर के ही दो अंगुल की दूरी पर मैं खड़ा था, तुम लोगों ने देखा नहीं। जितनी भी बातें हमने सुना तो फिर सुन करके तो फिर आप प्रकट क्यों नहीं हो गए? यही तो बतला रहा हूं मैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही तीन प्रकार के होते हैं। पहले वाले को अकृतज्ञ कहा, वो अवज्ञा केवल करते हैं किंतु कुछ करते नहीं, उसके बदले में माता पिता को मारना पीटना कोई गाली देना अपमान करना वो नहीं करते। काजे भाई आपसे हमारी बनते नहीं है, मैं अपनी पत्नी को लेकर के बच्चों को लेकर के आपसे आप कोई हमारा हमारी पंक्ति में, यदि कभी कोई जरूरत है तो बुला लेना, स्मरण कर लेना, हम आ जाएंगे। ये क्या हुआ? भूल जाना हुआ माता पिता के उपकार को? तू बचपन में क्यों नहीं ऐसा कहा? जैसे मैं नंगा पैदा हुआ है उस समय में, जब करवट फिराने वाला कोई नहीं था, उस समय तुमने क्यों नहीं कहा? तो वो तो माता पिता का ही। तो ये पहला हुआ, ये इतना दोष है किंतु पूरा दोष खूब संपूर्ण रूप से दोष है, ये अवज्ञा वाली। और इसमें द्रोही है ना, द्रोहा जमकर, इसमें भी सहेतुक अहेतुकी
ये दो प्रकार के द्रोह आचरण है। लड़के की शादी हो गई, बहू घर में आ गई और सास बात बात में उसे भिड़ जाती और वो भी भिड़ जाती, पति का मन खिन्न हो गया, मैंने बेटे का मन खिन्न हो गया कि भाई एक जगह में ये तो रोज रोज की आपस अपने प्यार, बहुत दिन सास आते सासे किंतु अब सास नहीं है, पिताजी बिना पिताजी अब तो बनती नहीं है, तो मैं अलग ही हो जाऊं, पिताजी बहुत दुखी है, नहीं बेटा तुम हमसे सहार नहीं जाता। एक तो ये बात थी और दूसरा हुआ बिना किसी कारण के पिताजी वृद्ध हो गए हैं, थोड़ी सी खांसी उठती है, रात में खांसते हैं, दिन भर आपको फुर्सत नहीं, रात भर भी हम लोगों को चैन से सोने देते, हमसे यही रात निकल, अजय ये तो उम्र घर तुम्हारा घर था, तुम्हारा कुछ नहीं निकलो, मारपीट ये सब चीजें होना ये साहित्य है। और एक होता है अहेतुक बिना किसी कारण के दो आचरण करना माता पिता, और एक तीसरा है तीसरा भी एक कारण है हाँ? नहीं नहीं एक और है, ये सब मिला करके पहला एक, दूसरा दो, तीसरा चार, तीन और गुरु ग्रंथता वाला तीन, ये कितना हुआ? हाँ हुआ तीन ही रखो, तो ये तीन कितना हो गया? तो और तीन प्रकार का ये गुरुद्रोह नौ, ये नौ प्रकार की बात है। कृष्ण में इनमें से कोई नहीं, जिस समय कृष्ण ने ये कहा कि मैं ये नहीं हूं, आपका काम नहीं, आत्माराम नहीं और तो गोपियां बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई, इसमें सबसे भयंकर है वो गुरुद्रोही वाले, तो ये अपने ही उन्होंने स्वीकार कर दिया, तो वो कुछ हंसने लगी, इधर उधर कंखी मारने लगी, देखो अब अपने आप हम लोगों के ये फांद में पड़े, अब यही कहेंगे कि मैं वही हूं, तो सुने नहीं नहीं मैं वो पिता गुरुद्रोही भी नहीं, कैसे नहीं हूं इसी चीज को ये बता रहे एवं मदद हो चलो। इसके पहले एक और श्लोक है अनुवृत्त बला, नहीं इसके पहले वो श्लोक श्लोक जल्दी लाओ, नाहं भजतां नाहं तु सत्थो नाहं तु सत्थो देखो नाहं तु सत्थो भजतो कि जंतु भजाम ईशाम अनुवृत्तये वृत्ते अनुवृत्ति वृत्ते यथा गणो अलब्ध धने विनष्टे तत्किंतयान निभृतो न वेद। नाहं प्यारी सखियो संबोधन यहां पर, मैं गुरुद्रोही नहीं प्यारी सखी हो, हमारी तुम सखी हो, कैसी सखी हो, प्राण प्यारी सखी, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं गुरु गुरुद्रोहिता करूंगा ये कभी संभव नहीं। भजतो भी जनतुम न भजन, भजते ही जो जीव लोग हमारा भजन करते हैं हमसे प्रेम करते हैं, मैं वैसा प्रेम नहीं करता, अतः तुम मैं प्रेम को दिखावा दिखलाता नहीं, इसके बहुत से कारण, क्या कारण है? अनुवृत्ति वृत्तये, उनकी हमारे प्रति जो अनुवृत्ति है, स्मरण है, चिंतन है, ध्यान है, वृत्तये उसको बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए करता है। दो प्रकार से
अभी जो जात प्रेम नहीं है, जात प्रेम और एक अजात प्रेम, हम लोग किस श्रेणी में है? यहां पर कितने हैं? अजात श्रद्धा, अजात श्रद्धा, अजात पक्षान्यू है। अभी पक्ष प्रेम रूपी पक्ष की अभी श्रद्धा ही, उसका भी रोआ भी नहीं उठा है। लंबी बात कर रहे हैं, बड़े ऊंची बातें। तो जो जात सत्य हैं, अजात सत्य हैं, कौन? बिल मंगल कोटि के लोग जो साधक हैं, कौन? बिल मंगल। ऐसे ऐसे लोग जो कि सब कुछ छोड़ करके एकदम प्रेम में दीवाने हो गए हैं, इन लोगों को भी नारद जी जैसे लोगों को एक बार झलक मैंने दर्शन दी, इसके बाद नहीं दी। अनुवृत्ति वृत्ति, उनकी हमारे पति जो लगी हुई वृत्ति है, मन की वृत्ति है, इसको और बढ़ाने, अतः तो उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, नहीं तो यदि नहीं बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद में कमते 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 प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहां तक उनको प्रेम तक लाना है, सिद्ध प्रेम, अतः स्वरूप सिद्धि से उनको वस्तु सिद्धि में लाएंगे, तब वह प्रेम स्थायी होगा। अभी हो सकता है वहां से हम होकर के नीचे गिर जाए, इसलिए उसको स्थायी बनाने के लिए जो अजात प्रेम वाले हैं उनका प्रेम बढ़ाने, जैसे नारद जी हैं, बिल मंगल हैं और लोग हैं। कभी स्फूर्ति हुई श्याम सुंदर इस कदम वृक्ष के नीचे, अरे देखो तो ये उनका पीताम्बर फहरा रहा है, पीताम्बर फहरा रहा है, और सुंदर गले में वैजयंती माला है, बंसी अथरों पर है, यहाँ पर अलका सब मानो भ्रमण चारों तरफ से उनके मुखमंडल को चंद्र को घेरे हुए, कमल को घेरे हुए, और उनकी लटे में से दो एक केस सामने भी कृष्ण के आ रहे हैं, वो और भी सुंदर, कानों में कुंडल झलमला रहे हैं, और किसी जगह में तिरछी नेत्र करके वो देख रहे हैं, मुस्मंद मुस्कान है, ऐसा सुंदर रूप उनका है। और देखते ही देखा क्या, कहां गए कहां गए कहां गए, खुद देखो 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 देखो, ध्यान रखो फिर उन्हें लगो, डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप दर्शन नहीं। जैसे उदाहरण दिया कि कोई धन किसी को मिल जाए, गरीब दरिद्र व्यक्ति को, और वो धन हटक चोरी चला गया, और उस समय दिन रात उसी की चिंता में मस्त है, उसी प्रकार से अनुवृत्ति, तुम्हारी जो अनुवृत्ति निरंतर जो वृत्ति है, उस वृत्ति को बढ़ाने के लिए मैं दिखाई नहीं, दर्शन दे करके नहीं करता इस प्रेम, प्रेम कर रहा हूं भजता हूं, हमारा वाक्य झूठा नहीं है, ये यथान माम प्रबंधे ताम तो सैव, ये बात तो ठीक है, केवल तुम्हारे ही समय में तुम्हारे लिए ये पूर्ण नहीं, यही पर वो भंग मेरी प्रतिज्ञा हुई, किंतु दूसरे लोगों के साथ मैं ऐसा करता हूं। यथा अभनो लब्ध धने, अत्यंत दरिद्र व्यक्ति, उसको कहीं से मिल गया चिंतामणि, और मिल करके एक लोहे को स्पर्श कराया वो सोना हो गया, या चिंतामणि या पारस पत्थर, या एक किया इसके बाद में कोई देखा जिससे ये बात है, जिससे लोहा सोना जाता है, बस उसने क्या किया, चोरी करके लेकर, अब वो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, ऐसा जैसे सांप का मणियारी, सांप का मणि यदि कोई चोरी कर ले, जंगल में कोई जाते हैं बड़े लोहे का भाग लेकर के, और फिर चढ़ जाते हैं जहां पर सर्प आता है, उस मणि को रख करके, और अपने खाने के लिए सब चारों तरफ में देखता है, और फिर देखता है जैसे अब हमारा पेट भर गया, फिर लौट करके आकर के मणि को लेकर के उसी प्रकाश में वो देखता है। कोई व्यक्ति इसको लक्ष्य किया और पेड़ पर चढ़ गया, और टोकरी जैसे कोई लोहे का भार कोई चीज लेकर के और ऊपर से उसको गिराया, सर्प दौड़ करके आया किंतु वो मणि को पाया नहीं, छत पर छत करते वहीं पर प्राण छोड़ दिया, शरीर भी अपना छोड़ दिया, मणि भी रह गई। ऐसे ही भगवत प्रेम है, इससे भी लाखों गुणों से,
इसलिए कहते हैं यथा लब्ध धने विनष्टे, उसका धन प्राप्त होकर के फिर विनष्ट हो जाए, तब चिंतयान निभृतो न पेता, अर्थात निरंतर ध्यान की उसका लगा रहे, इसलिए मैं ऐसा वेद ऐसा समझो कि मैंने इसलिए किया, तुम्हारा वैसा ही निरंतर ध्यान हमारे तरफ में लगा, पूरा कहते जैसे वाह बहुत ठीक आप कह रहे हैं, बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं, हम लोगों का तो आपका ध्यान होता नहीं है कभी, हम लोगों को तो प्रेम ही नहीं हुआ, नहीं नहीं बात तो समझो, मैंने एक प्रकार की बात कही, अब तुम लोगों की बात कर रहा, अब कह रहा जात प्रेम वाले जो है जिनको प्रेम है उसको किस लिए, और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के, तुम्हारा प्रेम है जानता हूं, और दिन रात वो बढ़ता ही रहता है, किंतु उस प्रेम में यदि बीच बीच में उसमें क्या होता है अमेंडमेंट या क्या होता है रिन्यू नहीं होने पर वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए रिन्यू होने की भी जरूरत है। जैसे पूतना जी आकर के यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम उसको और बढ़ा, इसी तरह से यहां पर नवीनीकरण करता हूं, इसी प्रकार से तुम्हारे प्रेम को मैं बढ़ा रहा हूं, अब इसी चीज की सफाई दे रहे हैं कृष्ण आगे, तुम जात प्रेम नहीं हो, तुम कैदी हो, अजात प्रेम नहीं, तुम्हारे लिए पिछली बात नहीं था, लब्ध धना धन नष्ट, तुम्हारा प्रेम ही नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए ये दूसरा उदाहरण देकर के वो बतला रहे हैं, एवं मतस्थो चितलोपदेद स्वानां जीवो मई अनुवृत्ते बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मायी सूतम अर्हत तत्प्रणम, हे मेरी प्राण ये सखियां एवं मतस्थो चितलोपदेद उज्जित लोकवेद, उज्जित माने क्या, तुम लोगों ने संसार का लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, परिवार का धर्म, संसार का धर्म, आर्य धर्म, आर्य पथ, जो कुछ था मत अर्थे मेरे लिए, इसका दूसरा उदाहरण विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं, ऐसा वो भी मत अर्थे मेरे सुख के लिए ऐसा किया, अपने सुख के लिए नहीं, हमारे सुख जिसमें हो और वो छोड़ सकते हैं अपने सुख के लिए, अपने माता पिता को तो सहज ही में पुत्र छोड़ देता है, बेटी भी छोड़ देती है, अपनी स्त्री को भी पति छोड़ देता है अपने सुख के लिए, ये सब सब छोड़ा, धन संपत्ति भी चारों समाप्त प्रमाण है, मदद हो उज्जित लोक देव स्वामी कि मई अनुभूत वाला मया परोक्षम भजता, मैं थोड़े कहीं अंतर ध्यान हो गया था, मैं तो था मैं वही था, मैं कहीं नहीं गया, मैं थोड़ी देर पर करके भजन कर रहा था किंतु दिखला करके नहीं, परोक्ष रूप में मैं था, एक जमीन दिशा से तुम्हें बतला दू और अपने चरण की बात जो काम अनिवार्य को नीलम, तुम लोग जो कह रही थी ये जो गोपी है यही सबसे श्रेष्ठ है, नारायण की इसी ने आराधना सबसे अधिक की है, जो जिसको ये साथ में लेकर के गए हैं, जिसका मान भंजन कर रहे हैं, जिसका श्रृंगार कर रहे हैं, जिसको गोदी में लेने से उनके चरण, ये मैं सब सुन रहा था, तुम लोग इसकी साक्षी है बतलाओ मैं झूठ बोल रहा हूं, ये कैसे जान लिए, ये कैसे जान लिया, तब ये बतला रहे हैं कुछ भी लोग, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वो जो नौ प्रकार का बतला उसमें से नहीं, जात प्रेम के लिए यहां तुम्हारे जो जात तुम तुम है तुम्हारी इस वृत्ति को और बढ़ाने के लिए, इसलिए बढ़ाने के लिए इसको देख करके मैं बहुत सुखी होऊंगा, बहुत मुझे बहुत आनंद लगता है इसका स्वादन करना, मेरे विरह में तड़प करके रो रही हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो हमारे लिए ही अंतर्ध्यान है वह, अपने सुख के तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमको दुख देने के लिए ठीक है, तो सचमुच हमारा ये आनंद बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो कृष्ण बड़े प्रसन्न है, अब देख करके हमको भी प्रसन्नता हो रही है,
जैसे छिछोरी परस्पर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखा तो बड़ा आनंद लगे, सब कुछ मिलने ठीक आ रहे हैं। नहीं, अनुवृत्ति हमारे प्रति जो इनकी अनुवृत्ति है, अबला मने अबला, हे अबला कर रहे हैं ना, वेद धर्म जो है, वेद धर्म इसको क्या करना है, बड़े बड़े पहलवानों के लिए भी संभव पर नहीं है, रावण के लिए संभव है, ये संसार की ममता इत्यादि को छोड़ देना है, काम छोड़ देना है, संभव पर नहीं, बड़े बड़े पहलवान लोग भी, इसलिए बतलाया गया है न आत्मा प्रवचन बलहीन लक्षण व्यक्ति उसके द्वारा नहीं पाया जाता, बड़े बड़े भगवान लोग भी ये देश धर्म लोक धर्म वेद धर्म प्रशंसा अपनी इत्यादि को नहीं छोड़ सकते, किसके लिए, केवल मेरे लिए, अपने सुख के लिए छोड़ देंगे, बड़े भगवान लोग भी देवी पुरुष भी सभी लोग हमारे लिए जो संसार को छोड़ देंगे लोग धर्म देकर, ये संभव पर नहीं मिलते, ये अबला तुम तो बलवान मूर्ति है नहीं, क्योंकि तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए अबला का प्रयोग कर रहे हैं सबसे अधिक बलवान के रूप में, स्त्रियों को देखा जा रहा है ये स्त्रियों को अबला कहते हैं, तो तुम लोग बलवान से भी बलवान है, जो हमारे लिए ऐसा जो कर सकते जो बड़े बड़े बलवान भी नहीं कर सकते, तुम लोग इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर जो दूसरों के लिए संभव नहीं है तुम्हारे लिए संभव है, जो हमारे लिए सब कुछ प्रत्याग कर दिया, इसमें तुम्हारा अपना स्वार्थ का दंड भी नहीं है, कहते हैं मदर्थितो कदेद स्वानो मई अनुवृत्त बला मया परोक्षम भजता तुरोहित माई सूतम मार्हत तत्परम किया। देखो मैं प्रकट रूप में तुम्हारे निकट नहीं था, किंतु प्रकट से भी अधिक मुझको आनंद लग रहा था कि हमारे प्रति इतना उच्च आदर्श भाव आज तक हमने कभी नहीं देखा, न भविष्य में भी कोई ऐसा, उसको बहुत आनंद, वो कोई नहीं सुना ने तो फिर उनको थोड़ा सा अब हृदय में कुछ थोड़ा सा आनंद, कृष्ण ने उसका प्रमाण दिया उनसे, इसलिए देखो मेरी प्रियारी गोपियों प्राण किया सखियां हमसे तुम लोग ईर्ष्या मत करना कि हम मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये दोष हमारे ऊपर में मत लगाना, मार्हत माँ अर्हत क्यों, मैं तुम्हारा प्रिय हूं और तुम हमारी, तुम लोगों ने मध्यर्थो उचित लोक वेद लोक धर्म वेद धर्म इत्यादि तुमने प्रत्याग किया, सब कुछ प्रत्याग किया, इसका उदाहरण तुम ही लोग, तुम ही मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहा कि तुम्हारा ऐसा ही भाव जगत में प्रचारित हो, लोग भी देखें ये गोपियां अपने उदाहरण अपने ही देख रहे, इसलिए मैं कहीं दूर नहीं गया था, तुम्हारा भजन ही कर रहा था, उसने क्या दिखलाया, पहला तो कृष्ण ने मोहर दी ये तुम लोगों ने लोक धर्म सब कुछ हमारे सुख के लिए तुम लोगों ने, पहले में दिखलाया जैसे उसमें सुख की लेस नहीं है और इसमें दिया तटस्थ लक्षण, और उसके साथ साथ में मई मई अनुवृत्ति वृत्ति अपने प्रति तुम्हारा जो भाव दर्शन करने ये हुआ स्वरूप लक्षण, और वो जो हुआ लोक दल देवधर्म इत्यादि को कृष्ण ने ग्रहण किया कि हमारे लिए तुम लोगों ने सब प्रत्याग कर दिया, ये तटस्थ
इसलिए प्रिया और प्रिय कौन है? परस्पर प्रेम से ये हुआ। जहां पर प्रेम कटने की या ध्वंस होने की संभावना हो, उस स्थिति में प्रेम बढ़ जाता हो, उसको कहते हैं प्रेम। जब प्रेम ध्वंस होने का कारण कोई उपस्थित हो जाए, जैसे श्रीमती जी ने देखा चंद्रावली के साथ में घूम रहे हैं, अब यहाँ पर संसारी कुरीति क्या होगी? अरे हमें छोड़ करके इसके साथ में ये घूम रहे हैं, दुख होगा ना? उसमें बहुत से लोग स्त्रियां पीस पी लेती हैं, कट करके मर जाती हैं, आग लगा करके मर जाती हैं, ऐसा। किंतु राधिका जी का क्या है? भले ऊपर से कुछ दिखाए किंतु उसको वो प्रसन्न करने की चेष्टा करती है जिसके साथ में कृष्ण घूम रहे हैं। क्यों? हम तो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकी, किंतु इसने प्रसन्न कर दिया। जो कृष्ण को प्रसन्न कर रही है, हम उसकी दासी होकर लाखों जन्म तक सेवा करेंगे। और तो बात क्या, पुलिंदी कन्याएं जो कृष्ण के प्रति ऐसा थोड़ा सा अनुराग देखा, घास से कृष्ण के चरण में संलग्न कुमकुम फूल दे करके उसको देकर के लगाते हुए देखा, प्रसन्न हो गई, तो उसको देकर कहते हम मर करके पुलिंदी कन्या, ऐसे लोगों की हम सेवा करें, ऐसे उनकी भावना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं, इसमें दिखाया सही लक्षण भी तटस्थ लक्षण, इसलिए मैं प्रिय हूं तुम प्रिया है। इसलिए प्रेम फंस होने पर भी यदि हमने, मैं छिप गया और मैंने तुम्हारी तुम्हारे प्रति कुछ ऐसा किया, तभी तुम्हारा प्रेम तो हमारे प्रति हटना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रेम नहीं होगा। और मैं तुम्हारा प्रिय हूं, इसलिए तुम्हारा भी ऐसा कोई त्रुटि हो जाए, दोष हो जाए, मैं तुम उस प्रेम को भूल जाऊं, ये मेरे लिए भी संभव नहीं। इसलिए तुम लोग हमारे प्रति ऐसी भावना मत रखो कि हम तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से ऐसा हुए या तुम लोग ईर्ष्या। इसमें सर्वलक्षण तटस्थ लक्षण प्रेम का ये दिखलाया, काम को बतलाया लोहा और शुद्ध प्रेम को बतलाया शुद्ध प्रेम बतलाया, और दोनों का यहाँ पर बतलाया। कृष्ण प्रतिज्ञा एक आखिर पूर्व है, इसलिए बतला रहे हैं ये सब उदाहरण जो दोनों दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु किस लिए आई है, किस तरह कृष्ण को अनुभव करके, उनकी माधुरियों को अनुभव करके कौन सा राधा जी को सुख होता है, ऐसा सुख कभी नहीं देखा, हमारे अंदर कभी नहीं आता, वो सुख क्या है, इस चीज को बतलाने के लिए महाप्रभु जी के अवतार का तीसरा जो कारण है आस्वादन प्रेम, सुख आस्वादन, उसको सुख की इच्छा नहीं किंतु लाख कोटि गुण सुख मिलता है। कृष्ण प्रतिज्ञा एक आखिर पूर्व है, ये जैसे भजे कृष्ण तारे भजे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वात्मान वर्तन्ते मनुष्या पाप। कल उसकी चर्चा करें, कल नहीं अब परसों, कल हम लोगों की गुरु जी का हमारा जन्म दिवस, कल हम लोग व्यास पूजा करें, व्यास के स्थान पर बैठ करके जो कृष्ण की इन सब प्रीति को जो संसार में स्निग्ध शिष्यों को देते हैं, लोगों को देते हैं, आप तो वैसे नहीं है, उनको श्रद्धा इत्यादि दे सकते हैं, घर में कृष्ण के गुमुख जीवों को उन्मुख करते हैं, वो गुरु ही व्यास, इसलिए उनके जन्म के दिन पर गुरु अपने जन्म के दिन में अपनी गुरु परंपरा इत्यादि का पूजन करता है। कृष्ण से वो परंपरा, हमारे गुरु जी ऐसा करते थे, वो पंच पंचक सप्त पंचक की पूजा करते थे, अपने आप हम लोगों को बैठा करते व्यास पंचक, और गुरु जी सप्त पंचक करते थे, शंकराचार्य के विधान में व्यास पंचक होता है, कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, गुरु पंचक, गुरु परंपरा पंचक, आचार्य, गुरु जी ने और उसमें लगा दिया पंच तत्व का, और एक उपास्य पंचक, उपास्य पंचक मतलब राधा कृष्ण गौ गदाधर और नित्यानंद प्रभु, ये पांच उसमें, तो ये सात हुआ पंचक, सात का से 35, 35 लोगों की पृथक पृथक में कलश रखे जाते थे। यहाँ पर भैर भी नहीं है, जगह भी नहीं है,
उसमें जो लोग आते हैं उनके लिए रहने की जगह बैठने की जगह नहीं होती, इसलिए वो सब चीजें तो नहीं, किंतु हम उसको भाषण के माध्यम से हम लोग उस चीज को सरकार।